आयतुल्ला सैयद नजमुल हसन रिजवी लखनवी। आयतुल्ला नजमुल हसन साहब सन 1279 हिजरी में अमरोहा की सरजमीन पर पैदा हुए। आपके वालिद का नाम मौलाना अकबर हुसैन इबरत अमरोहवी था। आपकी वालिदा फंदेड़ी सादात के एक दीनदार घराने से ताल्लुक रखती थी। नजमुल हसन साहब को नजमुल मिल्लत, शम्सुल उलमा और हकीमुल उलमा के अलकाब से याद किया जाता है। नजमुल मिल्लत साहब ने इब्तदाई तालीम अमरोहा में हासिल की, फिर लखनऊ के लिए आजी में सफर हुए और वहां रहकर तफसीर, फिक्र, उसूल और अदब में महारत हासिल की। आयतुल्ला नजमुल हसन साहब जैयद आलिम होने के साथ अरबी के बेहतरीन शायर भी थे और अरबी अशार के जलसों में शिरकत किया करते थे। शम्सुल उलमा साहब के असातिज़ा में मुफ्ती मोहम्मद अब्बास शुस्तरी, मौलाना अबुल हसन इबन अली शाह, अल्लामा अबुल हसन इबन बंदे हुसैन के अस्माए गिरामी काबिले ज़िक्र हैं। हकीमुल उलमा के शागिर्दों में मुफ्ती अहमद अली साहब, मुफ्ती मोहम्मद अली साहब, आयतुल्ला अली नकी नक्कन साहब, हाफिज़ किफ़ायत हुसैन साहब, मुफसर क़ुरान मौलाना फरमान अली साहब, मौलाना अदील अख्तर साहब और मौलाना मोहम्मद हारून साहब काबिल ज़िक्र हैं। आयतुल्ला नजमुल हसन साहब को इराक के उलमा से इजाज़े इज्तेहाद हासिल थे, जिनमें से आयतुल्ला सैयद मोहम्मद काजिम तबातबाई, आयतुल्ला शेख अब्बास काशिफुलगिता और आयतुल्ला इस्माइल सदर के इजाज़े काबिल ज़िक्र हैं। आयतुल्ला नजमुल हसन साहब ने उलमाए किराम को इजाज़े भी दिए, जिनमें से आयतुल्ला शहाबुद्दीन मरशी नजफी, आयतुल्ला अली नकी नक्कन साहब, मौलाना शेख मुजफ्फर अली खान साहब और आयतुल्ला सैयद मोहम्मद सादिक बहरुल उलूम के अस्मा काबिले जिक्र हैं। शम्सुल उलमा के उस्ताद और खुसरे मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहब क़िबला शुस्तरी ने आपके इस्तेदाद और सलाहियत के पेश नज़र आपको जामिया नाजिमिया लखनऊ का प्रिंसिपल करार दिया। नजमुल मिल्लत साहब ने सन 1338 हिजरी में वाली महमूदाबाद की मदद से मदरसतुल वाइजीन की बुनियाद रखी। हकीमुल उलमा के फतावा और जवाबात किताबें शरीयतुल इस्लाम में देखे जा सकते हैं, जिसको आपके फर्जंद ने मुरत्तब किया है। आयतुल्ला नजमुल हसन रिजवी ने 17 सफर सन 1357 हिजरी में दाईये अजल को लब्बैक कहा। देखते ही देखते आपके इंतकाल की खबर आम हो गई। लोगों का जम्मे गफीर तशीह जनाजा में शरीक हुआ। गोमती नदी के साहिल पर गुस्ल दिया गया और जामिया नाजिमिया में सुपुर्द खाक किया गया।